मार्केट संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ऐसे झांसी के मंदिर में बैठा हूँ, शुद्ध सर मंदिर के अंदर बैठा हूँ। हमारे सामने महाराज भी, गुरु जी भी मौजूद है और साथ साथ हमारे बीच में दिलीप पांडे जी भी मौजूद है। ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है हमारे बीच में, दिलीप पांडे जी। अगली आवाज होगी दिलीप पांडे जी से, जो कि अनेकों संस्थाओं के तत्वाधान में अध्यक्ष के पद पर तैनात है। अगली आवाज होगी दिलीप पांडे जी की। कहता हूँ कि आपने कम ही दिनों में झांसी के अंदर पूरा परचम लहरा के रखा है, समाज सेवी आपके मन में कब वो ख्याल आए जो आप लोगों की सेवा करने में आगे बढ़े? ऐसा है कि ये सब ख्याल तो हमारे गुरुजी हैं जी, इन्होंने हमें सब रास्ताएं दिखाए, मार्गदर्शक इन्हीं का है, आचार्य पंडित हरिओम पाठक जी का। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि झांसी में मैं ब्राह्मण समाज का जिला अध्यक्ष हूँ और ये चाहता हूँ कि झांसी में लोकसभा चुनाव में अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तो ब्राह्मण वोट काफ़ी है झांसी में और ब्राह्मण सरबरे कोई भी पार्टी टिकट दे, ब्राह्मण को टिकट देती है तो उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। पंडित जी, आपका जो लगे रहे तो लोगों के बीच में समाज सेवी में अनेकों स्थानों पर मैंने देखा आपको अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में जाते हो, आप लोगों से प्रेम करते हो, इसका आपका आगे का रवैया है क्या? आगे क्या आपका मकसद है? क्या चुनाव में खड़े होने जा रहे हो? जी ये तो सब आदमियों के कहने की होती, चुनाव होना ये तो अपन की जनसेवा है, जनसेवा कर रहा हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी जो मार्गदर्शक देते हैं उसमें हम जाते हैं। गुरु जी जहाँ कहते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, गुरु जी भी हमारे साथ जाते हैं। साथियों, अगली आवाज़ हो कि हमारे गुरु जी की, जो कि देखा जाए राम मंदिर को लेकर अनेकों दिनों से ये फैसला नहीं सुनाया जाता, आज फिर वो तारीख बढ़ी है और सुरक्षित अयोध्या राम मंदिर के लिए जानते हैं कि महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जो अयोध्या की डेट बढ़ी है राम मंदिर की, फिर आज फैसला सुना दिया कि सुरक्षित स्थान फैसला हुआ है, फिर आगे को लेकर क्या है आपका? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी। हमारा और पूरे संत समाज का, पूरा हिंदू समाज, सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का, बौद्धों का, सबका एक ही मत है जी। कि भगवान राम का वहाँ प्राकट स्थल है, जन्म स्थल है, वह राम जन्मभूमि मंदिर ही बनना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सबकी श्रेष्ठ सर्वोच्च संस्था है न्याय की, हमारा सबका उसमें भरोसा है, विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि वो इसमें विलम्ब ना करें। इसको बहुत विलंबित किया गया जिससे बहुत द्वेष फैला। जिस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर भोजन करते थे, एक साथ शादी विवाह में शामिल रहते थे, आज उनमें दूरियां बढ़ी हैं केवल जन्मभूमि के विवाद के कारण। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश में सौहार्द लाने में सहायता करें, देश में सौहार्द स्थापित करने में आशीर्वाद दें तो निश्चित रूप से उनको जल्दी से जल्दी राम मंदिर बनाने का निर्णय सुना देना चाहिए और सभी पक्ष उसमें सहमत हो जाएंगे, ऐसी हमारी भावना है, हमारा संकल्प है, हमारा सोचना है। गुरु जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्या 2019 में फिर चुनाव में कोई राम मुद्दा होगा? देखो, अभी तो राष्ट्र का मुद्दा चल रहा, राम राष्ट्र के गौरव है, राम राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र पर संकट है तो पहले राष्ट्र का मुद्दा चलेगा और राम का मुद्दा तो जनमन का मुद्दा है। जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा और उसे चलते रहना चाहिए, इसके लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 2019 में क्या मोदी जी को राम मंदिर की खुशखबरी दे देना चाहिए जनता को? हमारी तो मांग है, हम तो सुप्रीम कोर्ट आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों से भी आग्रह किया है कि इसको अभी जल्दी फैसला सुना दें। लाभ होना है ना होने वाली बात नहीं है, बात आस्था की पूर्ति की है, बात विश्वास के सम्मान की है, किसको इसका लाभ मिलेगा किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसे उस राम मंदिर के मुद्दे को इससे जोड़कर नहीं चलना चाहिए। 2019 में क्या मंदिर मुद्दे से भाजपा को हानि हो सकती है क्या? क्योंकि हम लोग धर्माचार्य हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से राग द्वेष नहीं है। सारे दल जो सनातन धर्म को मान्यता देते हैं, जिनमें सनातन धर्म के लोग हैं, कुछ सिरफरे लोगों को छोड़कर जो सनातनी होते हुए सनातन के विरोधी हैं उन्हें हटा दीजिए, फिर भी सभी दलों के आम कार्यकर्ता हिंदूवादी हैं, सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं और वो उन सबके मन में राम है, इसलिए इसके लाभ हानि की बात हम कभी किसी से नहीं कहेंगे। हमारा सबका एक ही मत है कि सनातन धर्मियों की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर बनाओ। जनता क्या फैसला देगी ये जनता का विषय है।
कैमरामैन सत्येंद्र मिश्रा के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता मार्केट संवाद झांसी।